नमस्कार, मैं पैरालीगल वॉलंटियर गोविंद लाल ओड़, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर कच्ची बस्ती में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर विद्यार्थियों को स्वच्छता मिशन के बारे में जानकारियां दी गई तथा नशा निषेध के बारे में जानकारियां दी गई। बच्चे जितने स्वस्थ रहेंगे, जितने बच्चे साफ सुथरे रहेंगे, उतना ही उनका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा और वह बीमारियों से मुक्त रहेंगे। इस तरह उनको नशा निषेध के बारे में जानकारियां दी कि अपने घर परिवार में अगर कोई नशा करता है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से छोड़ने की सलाह दें, ताकि नशा करने वाले रोगी का समय पर सही रोग उपचार हो सके और सही मार्गदर्शन से उसे अपने जीवन में सफलताएं मिल सके। इसके साथ ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरो का गुड़ा ग्राम पंचायत मेरो का गुड़ा में आदरणीय बड़े भाई मदन लाल जी ओड़ समाज सेवी के सानिध्य में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर विद्यार्थियों को स्वच्छता मिशन, नशा निषेध, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कड़े कानूनों के बारे में जानकारियां दी गई। शिविर में स्कूल की प्रधानाध्यापिका मैडम भी मौजूद थे। यहाँ पर बच्चों को नशा निषेध के बारे में ज़्यादा प्रभाव डाला गया और घर में जो माता पिता द्वारा किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं तो बच्चों की किस प्रकार भूमिका रहेगी, बच्चे किस प्रकार अपने माता पिता को जागरूक करेंगे ताकि वो नशे की लत को छोड़कर एक अच्छे नागरिक बन सके, एक स्वस्थ और अच्छी लाइफ को जी सके। इसके लिए बच्चों को विस्तार पूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया कि नशे के कारण कई तरह की बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती है और टीवी, कैंसर आदि बीमारियां गंभीर रूप से पैदा होती है और यह बीमारियां नशे के कारण होती है। छोटे छोटे मार्गदर्शन से बच्चों को जागरूक किया कि नशे के कारण ही इंसान की कभी कभी मृत्यु हो जाती है और नशे के जो अभाव में जो लोग आते हैं उनको भी यह बीमारी लग सकती है। ज़रूरी नहीं है कि नशा करने वाला व्यक्ति को ही बीमारी होती है। नशे से धुआं निकलता है, उस प्रदूषण को अगर स्वस्थ आदमी के भी नाक तक पहुंचता है तो उसे भी बीमारी लग सकती है, वह भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है। इस छोटी छोटी जानकारियां देकर बच्चों को नसीहत दी कि घर में नशा करते हैं तो उन्हें माता पिता या दादा दादी कोई भी अगर नशा करता है तो उन्हें बाहर जाकर नशा करने की सलाह दें। पहली बात तो यह है कि नशा करने ही नहीं दें। नशे के कारण कितने ही घर बर्बाद हो जाते हैं। नशे के कारण ही आधे झगड़ों की, जो 70% झगड़ों की जो बात आती है वो नशे की लत की वजह से आती है। छोटी छोटी बातों से जागरूक करते हुए बच्चों को विधिक योजनाओं के बारे में जानकारियां दी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बाल विवाह होती है कि छोटी उम्र में शादी जीवन की बर्बादी। छोटी उम्र में शादी कराने वाले बच्चों का जीवन बर्बाद होता हो जाता है, उनका जीवन ख़त्म हो जाता है, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, अपने ज़िंदगी को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जीते हैं। हम देखते हैं कि जिनकी बाल अवस्था में जिनकी शादी होती है वह कितने दुखी हैं, वह बचपन में ही मजदूर बन जाते हैं और कभी कभी तो छोटी उम्र में शादी कराने के बाद, दोनों के संबंध बिगड़ने के बाद कई प्रकार के न्यायालय में विचाराधीन मामले पड़े रहते हैं। छोटी उम्र में शादी कराने वाले
लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। इसमें शादी कराने वाले पंडित को 1,00,000 रुपये का जुर्माना और 1 साल की सजा के प्रावधान है, तथा लड़की के माता पिता एवं लड़के के पिता को भी सजा का प्रावधान है। अगर शादी कराते हुए पकड़ाए गए तो 1,00,000 का जुर्माना तथा 1 साल की सजा का भी प्रावधान है। इसके साथ ही शादी में सम्मिलित होने वाले समस्त पुरुष वर्ग को भी कानून में मुसीबत में फंस सकते हैं, उनके ऊपर भी 1,00,000 का जुर्माना तथा 1 साल की कारावास की सजा का प्रावधान है। ऐसी छोटी छोटी बातें बताकर बच्चों को जागरूक किया और उनको एक निशुल्क नंबर टोल फ्री नंबर दिया 10-9-8, जिस पर वो अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही बाल विवाह की जो उम्र है कि 18 साल से छोटी लड़की और 21 साल से छोटे लड़के को नाबालिग माना गया है और उससे ऊपर वाले को बालिग माना गया है। इससे छोटी उम्र की कहीं शादी होती है, 18 साल से नीचे वाले की शादी लड़की की या 21 साल के लड़के की शादी होती है छोटी उम्र में, तुरंत प्रभाव से 10 और 9-8 पे फ़ोन करके शिकायत को दर्ज कराई जा सकती है और कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही कन्या भ्रूण हत्या कानून के अंतर्गत बहुत ही कठोर कानून है जो बेटियों के लिए पुत्रियों के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत अगर कोई भी डॉक्टर अगर जांच करता है, भ्रूण की जांच करता है, तो उसे भी सजा का प्रावधान है, उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है और उसे 1 साल से 10 साल के कठोर कारावास की सजा भी हो सकती है। इसके साथ ही सहयोग देने वाले अगर कोई महिला के साथ सहयोगी है, पड़ोसी को तथा कोई भी, उसको भी 1 साल से 10 साल का सजा का प्रावधान दिया गया है। बहुत ही मजबूत और कठोर कानून बनाए गए हैं। ऐसे छोटे छोटे कानून की जानकारी बच्चों को होना भी बेहद ज़रूरी है, इसीलिए समय समय पर विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से हम बच्चों को जानकारी देते हैं, गांव-गांव डाणी-डाणी जाकर लोगों को जागरूक करते हैं ताकि अच्छी अवेयरनेस आए और कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, बुज़ुर्ग, वयस्क, महिलाएं सभी कानून को समझें, कानून की पालना करें। हम देखते हैं कि अक्सर स्वच्छता मिशन इतना ज़बरदस्त चल रहा है, फिर भी कचरे की बात को लेकर दिमाग में लोग कचरा पैदा करते हैं और इसी कचरे की वजह से आसपास पड़ोसी में झगड़े होते हैं। कचरे की बात को लेकर बहुत ही कई बार इतने झगड़े हो जाते हैं जिसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो कचरे की बात को किस तरह से हम अच्छी प्रकाशित करें उसके बारे में भी बच्चों को जानकारी देते हैं कि भाई अपने घर का कचरा है, अपने आसपास का कचरा है, तो उसे हमें अच्छी जगह फेंकना चाहिए जहाँ पर बदबू नहीं आए, प्रदूषण मुक्त हो, ऐसी जगह फेंकना चाहिए। और घर का कचरा फेंकने में कैसी शर्म, अगर हमारी बस्ती साफ रहेगी तो बीमार नहीं होंगे, कई तरह की बीमारियों से हमें बचा जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी जानकारी देके बच्चों को जागरूक किया। विधिक साक्षरता शिविर में इस तरह की कानूनी तथा ज्ञानवीन जानकारियाँ देकर बच्चों को जागरूक किया जाता है और कानूनी जानकारी बच्चों को भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही बच्चों के जो अधिकार हैं, कि उनको पढ़ने का अधिकार है, उनको निःशुल्क भोजन का अधिकार है, उनको साफ़ सुथरा वातावरण का अधिकार है, इस तरह के जो अधिकार है बच्चों के, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ किशोर कारागृह में आज विधि साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। वहाँ पर मौजूद विधि से संघर्ष करने वाले बच्चों को, करीब वो 25 बच्चे थे, और विधि से संघर्ष करते बच्चे जो कानून के अभाव में अपराध कर बैठते हैं, ऐसे बच्चों को विधिक जानकारियां देकर उनको जागरूक किया कि वह भी इस देश के नागरिक हैं, वह भी अच्छे बन सकते हैं, वह भी सच्चे बन सकते हैं, बस थोड़ा सा संयम रखें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो 18 साल ऊपर चले गए हैं, वो किसी व्यवसाय से जुड़ के, कोई काम सीख के
हमारे प्रधानमंत्री की जी कौशल विकास योजना के अंतर्गत वो कोई भी प्रशिक्षण सीख के अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इसी प्रकार उनको छोटी छोटी जानकारियाँ देकर उनको जागरूक किया ताकि उनका उज्जवल भविष्य बने, उनका जीवन बेहद खुशी भरा बने, ताकि वो किसी प्रकार का कोई भी अपराध न करें। वहाँ पर मौजूद बच्चों ने बताया कि हम अनजाने में लोगों के साथ जो बुरे तत्व है उनके साथ रहने लगते हैं और वो हमसे इस तरह के गलत काम करवाते हैं, जैसे चोरी करना, किसी की हत्या करना। तो उनको पता नहीं है कि ये इतना बड़ा अपराध है, लेकिन वो अपराध करवाने वाले जो हैं वो बड़े नशेड़ी लोग होते हैं और वो उनका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। वह छोटे बच्चों को तैयार करते हैं, उनको अपराध में लिप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के बच्चों को विधि से संघर्ष करते हुए बच्चे बताएं जिनको संरक्षण सही नहीं मिलता, परिवार का सही नेतृत्व नहीं मिलता, इस कारण बच्चे बुराई की ओर चले जाते हैं। ऐसे बच्चों को बस थोड़ा सा संयम और अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा तो मुझे लगता है कि बच्चा आने वाला इनका भविष्य अच्छा रहेगा, उज्ज्वल रहेगा। इस कार्यक्रम में आज के हमारे एडवोकेट एवं बाल कल्याण समिति के सदस्य हरीश पालीवाल भी मौजूद रहे, उन्होंने भी अपने विचारों को व्यक्त किया। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष प्रीता जैन ने भी बच्चों को शपथ दिलाई कि आज के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं करेंगे और न ही अपराध में जाएंगे, पूरी एक उनको शपथ दिलाई। कार्यक्रम में हमारी पैनल एडवोकेट अकीला शेख बानो ने भी बच्चों को कानूनी और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी और लीगल लिटरेसी, जो विधिक सहायता जिनको आवश्यकताएं थी, जिनके एडवोकेट नहीं है, वो भी उनको उन्होंने अपने नाम लिखे और अपने प्लेलिस्ट में जोड़कर उनके लिए विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समाज सेवी घनश्याम जोशी भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपने विचारों को वहाँ पर व्यक्त किया। कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। इसके बाद हमने जो बाल कल्याण समिति का जो ओपन सेंटर होम है, जहाँ पर बच्चों को बाहर खुले में रखा जाए जिनके माता पिता नहीं है, किसी कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को भी वहाँ पर ज्ञानवीन जानकारी दी गई और उनको भी बताया गया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। जितना शिक्षा लोगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा उज्जवल भविष्य बनेगा, जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और शिक्षा ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षा ही इंसान का सही मार्गदर्शन है, शिक्षा ही विकास है और शिक्षा ही सबसे बड़ा उनका अधिकार है। तो जितनी शिक्षा वो प्राप्त करेंगे, आगे जाएंगे, पढ़ेंगे, तो देश का नाम रोशन करेंगे। आज 4 स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए गए और चारों आज का दिन पूरा जो है विधिक साक्षरता शिविर के नाम रहा। बहुत अच्छे से विधिक साक्षरता शिविर का संपन्न हुआ। हमें इस विधिक सेवा शिविर में कार्य करने का जो मौका मिल रहा है वास्तव में बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में सही सेवा करने का सही जगह अच्छा मार्गदर्शन दिया है। इसी तरह अगर वास्तव में अगर जगह जगह जाकर जानकारी दी जाए तो मुझे लग रहा है कि जानकारी जागृति ज़्यादा से ज़्यादा आएगी और वास्तव में बच्चों का जीवन भी उज्ज्वल बनेगा। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, किसी के साथ कोई घटना नहीं होगी, सभी अपराध मुक्त रहेंगे। कार्यक्रम जिस प्रकार चलाए जा रहे हैं, इसी छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में जागृति आती है और हमें ये विधिक सेवा में जानकारी देने का मौका मिलता है। जो समाज में बीत रहा है, जो समाज देखते हैं, जो समाज में बुराए हैं, उन बुराइयों को किस प्रकार दूर करें और इन बुराइयों का हमेशा मॉनिटरिंग करते हुए दूसरे लोग ताकि इस बुराइयों में नहीं लिप्त हो, इसके लिए उनको भी जानकारी समय समय पे देना अति आवश्यक है ताकि जागृति ज़्यादा से
ज़्यादा रहे, हमारा देश सुखद रहे, हमारा गांव स्वच्छ रहे, हमारी गली अच्छी रहे, जिस तरह साफ़ सफाई अच्छी रहे, अच्छा वातावरण रहे, उसी तरह हमारा प्रेम भी साफ़ सुथरा और एकदम अच्छा रहे। इसी कामनाओं के साथ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी का एक जैसा है, न्याय पे हक सभी का एक जैसा है। अकेले नहीं हो तुम, नाल सा है साथ तुम्हारे। अकेले नहीं हो तुम, नाल सा है साथ तुम्हारे। न्याय पहुंचाना है, माता बहनों बच्चों के चेहरों पे मुस्कान को फैलाना है।